एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैना ब्यूटी। सो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। बात करते हैं आज की वीडियो के रिलेटेड। सो आज की वीडियो गाइस, आपको टाइटल पढ़ के पूरा आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। ग्लोइंग स्किन है, ग्लोइंग स्किन के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, और जो मेकअप लवर्स होते हैं उनको ये होता है कि वो सबसे अलग दिखे। सो एक उनके लिए एडवाइस है कि अकेला मेकअप करके ही हम अलग नहीं लग सकते, क्योंकि मेकअप के साथ साथ हमारी जो नेचुरल लुक है वो भी ग्लोइंग होनी चाहिए, डल नहीं होनी चाहिए। सो ये उनके लिए हेल्पफुल होगी जिनकी स्किन बहुत ही डल है, क्योंकि डल तो वैसे कभी ना कभी स्किन हो ही जाती है, पॉल्यूशन की वजह से हो जाती है, साथ ही में हम स्ट्रेस ले लेते हैं उसकी वजह से हो जाती है। राइट, ज़्यादा मेकअप करने से डेली और उसके बाद उसको स्किन उसकी मेकअप करने के बाद स्किन केयर ना करने की वजह से तब भी हमारी स्किन है जो वो डल सी हो जाती है। सो ये जो इस वीडियो में मैं आपको 3 होम रेमेडीज बताऊंगी, एक नहीं दो नहीं, सीधी 3। और ये आपको टू बी फ्रेंडली ये बताती हूँ मैं आपको कि ये जो है ना होम रेमेडीज, ये है मेरी दादी नानी के टाइम की, मतलब मम्मी के टाइम की। सो आज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो है ना पुरानी होती है, जितनी ही पुरानी चीज होती है ना, कहते हैं उतनी काम की भी कभी कभी हो जाती है। हर एक चीज नहीं कह सकते हम, ये नहीं कि पुरानी ड्रेस काम की है। हर एक चीज नहीं कह सकते, कभी कभी कोई ना कोई पुरानी चीज हमारे बहुत हेल्पफुल होती है। आज की वीडियो में आप सबके लिए मैं साथ शेयर करने वाली हूँ 3 रेमेडीज। आप फुल वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो इस साइन को ब्लू कलर का करना है आपको, और अपने व्यूज जरूर, अगर आपने इसको पहले भी ट्राई किया हुआ या आप करने के बाद मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर जो भी है ना, अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो व्यूज है उसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें पता लगता रहता है और बाकियों को भी थोड़ी मोटिवेशन हो जाएगी कि हाँ ये ट्राई कर सकते हैं। जब ज्यादा वोट्स होती है ना एक साइड पे, मतलब चाहे वो अच्छी साइड पे हो चाहे रॉन्ग साइड पे हो, तब वो ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है ना, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सबकी सजेशन के हिसाब से ये चलेगी ज्यादा रेमेडीज। अब आप देखिए रेमेडीज और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट रेमेडी है वो है टोमेटो के साथ, और आपको पता ही है टोमेटो में तो लेसोपिन होता है। सो उससे क्या होगा, हमारे जो ना ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी टोमेटो को रब करने से फेस पे रिड्यूस हो जाएगी। गाइस, आपको करना बस यही है, इसको रब करना है 10 मिनट्स तक, इसको बाद में रख देना, मतलब रब करने के बाद 10 मिनट रखने के बाद इसको मैंने प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लिया अपने फेस को, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है ना, सीरियसली मैंने इसको पहले भी बहुत बार यूज़ किया है, फिर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जितनी भी डलनेस थी ना वो गाइस सारी चली गई, और मैं तो इसको जब भी कहीं फंक्शंस वगैरह में जाना होता है ना तो मैं इसको पहले ज़रूर यूज़ करती हूँ, और ये इतनी एकदम नेचुरल ग्लोइंग लुक दे देता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, और आप में से कितने जाने इसको ट्राई भी करते होंगे। बात करते हैं सेकेंड होम रेमेडी की। सेकेंड होम रेमेडी के लिए गाइस आपको चाहिए होगा, यहाँ पर मैंने 4 स्पून कर्ड लिया है, फ्रेश कर्ड लिया, और इसमें जस्ट 4-5 ड्रॉप्स मैंने लेमन की ऐड कर दी है, लेमन जूस की ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद आपका जो सेकंड होम रेमेडी का मास्क है वो रेडी हो चुका है। अब इसको यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है 4-10 मिनट्स के लिए, इसको मैंने रख देना है। पूरा अप्लाई करने के बाद आपको तो पता ही है कर्ड में लैक्टिक एसिड होने की वजह से वो सारा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और लेमन में सिट्रिक एसिड होने की वजह से वो भी हमारे फेस को ग्लोइंग डलनेस रिड्यूस करता है। यहाँ पर इसको मैंने यूज़ कर लिया है, 10 मिनट्स के बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी, रखने 10 मिनट्स रखने के बाद इसको मैं वॉश कर दूंगी। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखिए गाइज आप, कितना अच्छा आया, एकदम मॉइस्चराइज हो गया मेरी स्किन, जितनी भी ड्राइनेस थी वो सारी चली गई है। ये भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है। अब ये बात करते हैं हम थर्ड वाली की। थर्ड होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगी, यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड किया है, कर्ड के बाद पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर की ऐड करने के बाद यहाँ पर गुलाब जल, मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर जिसे हम कहते हैं वो ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और जस्ट फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको पूरे फेस पे अप्लाई किए हैं, और अगर आपके पास बच भी जाता है गाइस तो आप इसको नेक पे या हैंड्स पे लगा लीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए, इसमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स डले हुए हैं। आप इसको हैंड्स पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैंने बच गया था मेरा थोड़ा सा, तो मैंने इसको नेक पे भी लगा लिया था। इसका रिजल्ट तो बहुत बहुत अच्छा होता है। ये मेरा फेवरेट वाला मास्क है, ये बहुत अच्छा, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है ना, और साथ ही में इससे आपकी जो स्किन है वो वाइटनिंग भी हो जाएगी, जितनी भी टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाती है, और एकदम अच्छी सी ग्लोइंग फ्रेश स्किन आपके सामने आ जाती है।
सो यहाँ पे फुल फेस पे अप्लाई होने के बाद इसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया। जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक हम इसको वॉश नहीं कर सकते। और जब भी मेरा ड्राई हो गया था मैंने इसको वॉश कर लेना है प्लेन वाटर से। आपने भी इसको ड्राई करने के बाद पूरा प्लेन वाटर से ही वॉश करना है गाइस। और इसका रिजल्ट सच में बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने पहले भी यूज़ किया और ये मेरा फेवरेट वाला मास्क है। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वीडियो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि ये जो होम रेमेडीज़ मैंने तीन बताई हैं सच में वर्क करती हैं और 100% रिजल्ट देती हैं, सो आपने क्या करना है, इस वाले साइन को ब्लू कलर का करना है और साथ ही में कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करने हैं। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जो फ्यूचर में डालने वाली हूँ आपके पास फटाफट से पहुँच जाया करें। और साथ ही में सब्सक्राइब करने के बाद आपको तो पता ही है क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है। सो जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूंगी वो आपके पास फटाफट पहुँच जाया करेगी। सो थैंक यू।